भारत की जो फौज है उसको सियाचिन पे भारत की हुकूमत ने इंटरनेट दे दिया। दिस इज द ब्रेकिंग न्यूज इन साउथ एशिया के पाकिस्तान की फौज भी है, लेकिन पाकिस्तान की फौज के पास वहां पे इंटरनेट नहीं है, जो नीचे एरियाज में तो है जो हमने सुना था, लेकिन ऊपर सियाचिन में जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है, जो कि ईस्टर्न करम रेंज है जो हिमालयाज की, जिसमें वो मौजूद है। और दुनिया ये कहा जाता है कि जो सियाचिन है दैट इज द हाईएस्ट बैटल फील्ड इन द वर्ल्ड। और ये भी कहा जा रहा है कि और ये एक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विस एक्टिवेट करना इज अ वेरी अपील टास्क, और इसके जारी बात है आई थिंक कोई भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, इंडियन आर्मी ने उसके कोलैबोरेशन के साथ ये किया है। और ये सारे का सारा जो गवर्नमेंट ओन्ड एक ब्रॉडबैंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक बेसिकली जो कंपनी है जो इंडियन गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है। और ये आप इमेजिन करें कि 19,000 फुट से ज़्यादा जगह के ऊपर जाके इस जिसे कह लें कि इस इंटरनेट को पहुंचाना, दैट्स अपील टास्क। जबकि पाकिस्तान की सिचुएशन ये है कि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने अपनी फौज के ऊपर हमला कर दिया। इमरान खान साहब जो हैं वो जनरल बाजवा के ऊपर और अपनी फौज के जो लोग हैं उनके ऊपर, तो उन्होंने खुद ही जिसे कहते हैं ना सर्जिकल स्ट्राइक कर देना। वो समझते हैं कि ये जो फौज है ये मुझे दोबारा पावर में लेके आए, फौज मुझे दोबारा ताकत में लेके आए, तो मैं तब जाके फौज, क्योंकि फौज ने पहले इनकी मदद की इनको पावर में लाने में, जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट ने माजी में जो मदद की है वो कह रहे हैं कि अब मुझे हटा दिया गया तो मुझे दोबारा लाओ, अगर मुझे दोबारा नहीं लाओगे तो फिर मैं वो सारी कहानियां बताऊंगा जो तुमने मेरे साथ की, जो तुम मुझे पावर में लेके आने के लिए जो तुमने पापड़ बेले और बाकियों को मेरे से नुकसान पहुंचाया, बाकियों को तुमने चोर डिक्लेयर कराया और मुझे जो है वो पावर में लेके मैं दुनिया को बताऊंगा, मैं पाकिस्तानियों को बताऊंगा। अब एक इंटरेस्टिंग टर्न है आया कि मैं एक इमरान खान का साहब का एक जलसा देख रहा था, क्योंकि वो जलसे बहुत ज्यादा करते हैं इमरान खान साहब, क्योंकि उनको पता है कि मैं जिंदा रहूंगा तो जलसे करके जिंदा रहूंगा। तो उन्होंने कहा कि तुमको अगर कोई धमकियां करे फोन करके, और कोई अगर इंटेलिजेंस के लोग तुम्हें फोन पे धमकियां करें, मिक्सर एक्स मिक्सर वाई जो है वो धमकियां करे, तो तुम उल्टा उनको धमकियां दो, ये मुल्क तुम्हारा है। क्योंकि इमरान खान साहब को किसी ने बता दिया शायद कि वो जुल्फकार अली भुट्टो हैं, और इमरान खान को शायद किसी ने बता दिया है कि वो एक बड़े ग्लोबल लीडर बन सकते हैं। वो जुल्फकार अली भुट्टो बनना चाह रहे हैं, लेकिन शायद इमरान खान को इस चीज़ का नहीं पता कि जुल्फकार अली भुट्टो जो है उसने इंटरनेशनल ताकतों को भी ललकारा था, लोकल ताकत को भी, उस वक्त की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को ललकारा था। और पाकिस्तान में एक बड़ा मुसलमान सा सीधा सा कानून है कि अगर आपने लीडर बनना है तो आपको एस्टैब्लिशमेंट को ललकारना पड़ता है। अब इमरान खान साहब ने ललकार दिया है, अवाम जो है वो सड़कों पे वो लेके आना चाहते हैं, लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या सड़कों पे लोग आएंगे, ये एक बहुत 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 जो है ना वो बड़ा सवाल है। और जैसे आप कह लें कि ये दिस इज अ डिफरेंट बॉल गेम। अब उधर इंडिया जो है वहां पे देखें कि जो फौज है वहां पे, तो हम जब बात करते हैं तो वहां पे हमें ये लगता है कि जी वहां पे जो सेक्रेटरी डिफेंस है वही बड़ा पावरफुल है, हमारे यहाँ तो जारी बात है आर्मी चीफ ज्यादा पावरफुल है, इंडिया का तो डिफेंस मिनिस्टर बड़ा पावरफुल है, हमारे यहाँ तो ऐसी कोई बात नहीं, डिफेंस मिनिस्टर को तो पता भी नहीं होता उसकी पावर्स क्या हैं। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट किस्म की सिचुएशन में हम, जिसे वो कहते हैं कैच 22, क्या पता नहीं कैच 22 है कि कैच जो है ना 72 के पता नहीं की और अदर फंस गए हैं ऐसी। यार देखो इमरान खान क्या कर रहा है, यहाँ पे लोगों को मिले तो लोग इस तरह की पाकिस्तान के बारे में स्टोरीज बताते हैं जो कि बड़ा, जिससे बड़ा दिल को दुख होता है, नुकसान होता है, और दिल जो है ना वो खून के आंसू रोता है कि ये बेसिकली हो क्या रहा है। और हमें हर बंदा ही हमारे बारे में कह रहा है कि बड़े अफसोस की बात है, बड़ी बुरी बात है, बड़ा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, कोई हमसे अफसोस कर रहा है कि आपके मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, कोई हमसे अफसोस कर रहा है कि आपके मुल्क के अंदर डेमोक्रेसी कमजोर है, कोई हमसे अफसोस कर रहा है कि हमारे मुल्क के अंदर फ्लड्स आ गए, मतलब हर बंदा हमसे अफसोस ही कर रहा है, जैसे पता नहीं कि केड़ी दुनिया से आ गए हैं वो। जारी बात है उनको पता लगता है कि भाई ये वहां पे क्या जो मामला चल रहे हैं। अब जारी उधर इंडिया की तरफ देखें, वहां पे सेक्रेटरी डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर के नीचे वो है, इमरान खान कहता है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तानी अवाम जो है वो फौज के मुकाबले में खड़ी हो जाए, दिस इज व्हाट ही इज सेइंग। वो कह रहा है कि अगर आपको कोई फौजी अफसर, कोई आपको इंटेलिजेंस का बंदा है, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई फोन करे तो आप उनके उनको उनको आगे से उनको धमकी दो,
वो कौन होते हैं तुम्हें कहने वाले और तुम्हें डराने वाले और तुम्हें ये खौफ के बुत तोड़ दो, इस तरह की वो बातें कर रहे हैं। लोग किस हद तक इस चीज को बाय करते हैं, क्योंकि इमरान खान साहब इन्हीं के साथ तो रहते थे, इमरान खान साहब इन्हीं से तो, वो खुद कहते हैं कि मैं तो एजेंसियों से कहता था कि पार्लियामेंट में चले जाओ और ये बिल पास कराना, तो एजेंसियां मेरे सारे जो तहादी थी उनको लेके आती थी। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये इमरान खान किसकी बगावत कर रहे हैं। 4 महीने 5 महीने पहले उनके साथ मिलकर काम कर रहे थे, आज कह रहे हैं कि नहीं हमने उनके से बगावत करनी है। इंडिया में जैसे हम बात कर रहे हैं कि 19,000 फुट के ऊपर सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर, अब भारत ने कहा जाता है कि 13 अप्रैल 1984 को एक फौजी ऑपरेशन मैकदूत के बाद इसको अपना हिस्सा करार दिया था, और पाकिस्तान जो है उसने भी जारी बात है सियाचिन के इस एरिया के ऊपर जो है वो अपना कब्जा रखा हुआ है। और वैसे ये इंटरेस्टिंग है, इसके ऊपर किसी फौजी इंडियन या पाकिस्तानी से बात होनी चाहिए ताकि ज्यादा पता चल सके। और क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2003 का जो एक सीज फायर एग्रीमेंट है, वो समझौता जो है वो फरवरी 2021 को रिसेंटली वेरीफाई हुआ था, जिसमें दोनों मुल्कों की जो फौजों हैं उन्होंने ये कहा था कि हमने जो कश्मीर को तकसीम करने वाली जो एक बेसिक लाइन है, जिसको नॉर्मली हम लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिस तरह इंडिया और चाइना के दरमियान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, या फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान लाइन ऑफ कंट्रोल है, वर्किंग बाउंड्री है, या फिर इंटरनेशनल बॉर्डर है। 3 किस्म के जो बॉर्डर हैं वो इंडिया के साथ पाकिस्तान के हैं। तो अब इसमें जारी बात है कि ये एक इंडिया की फौज को एक एज जाता है कि वहां पे इंटरनेट जो हासिल हुआ, और अब जारी बात है ये सैटेलाइट्स के जरिए इंटरनेट होगा, और जिसे वो कह लें कि जो जमीन के जरिए एक इंटरनेट जाता है, जो तारों के जरिए बिछाया जाता है, ये जारी बात है उससे एक डिफरेंट किस्म का इंटरनेट है। अब जारी बात है इस तरह की जो सहूलियात हैं उस मौके पे दी जाती हैं जहाँ पे नॉर्मली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लैंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है नहीं पहुंच सकता। अब हमें ये देखना है कि हमारे जो लोग हैं, क्या हम लोग इंडियन आर्मी को उससे क्या एडवांटेज होगा, वो उसे क्या हासिल करना चाहते हैं, वो उसे क्या अचीव करना चाहते हैं, उससे इनको क्या मिलेगा, उसकी क्या स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सकते हैं। ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग जो सिनेरियोज हैं जिसको मैं जो है वो स्टडी कर रहा हूँ, रीड कर रहा हूँ कि भाई जिसे कहते हैं ना, लेकिन एक बड़ा इम्पोर्टेंट ये माइलस्टोन है। और भारत जो है उसको, जिसे आप कह लें कि अगर ये 18 सितंबर से ये सारी सर्विस जो है वो एक्टिवेट हो रही है, हो गई है, और 19,000 फुट के ऊपर, तो आप इमेजिन करें इसको, अब आप इमेजिन करें कि कितना ज्यादा एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, जारी बात है, पाकिस्तान के ऊपर, चाइना के ऊपर। और पाकिस्तान जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई सर्विस जो है, जो जिसे आप कह लें कि एक जो सैटेलाइट से जरिए हो, वो कोई मेरा ख्याल है अपनी फौज को इस तरह की कुछ सर्विस दे रहा हो। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान जो है उसकी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम कितना को ये समझते हैं कि हमें कितना को एक इम्पोर्टेंट हमें हमारे लिए ये है कि हमारी फौज को ऊपर इंटरनेट मिले, या हमारी फौज के लिए इंटरनेट वहाँ पे जरूरी नहीं है, ये भी एक चीज़ है। क्योंकि पाकिस्तान हम कहते हैं कि हम कौन सा वेसल टू वेसल कॉम्पिटिशन करना चाहते हैं इंडिया के साथ, लेकिन क्वेश्चन यह है कि भारत की फौज के साथ लड़ना या भारत के साथ जो लड़ना है वो तो बेसुध सी चीज है, क्योंकि असल चीज तो यह है कि लड़ाई तो घर में हो रही है।